नमस्कार, मैं सुगंध आनंद, IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज IID आपको लेकर आया है वेमको फुटवेयर इंडस्ट्रीज में, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि शूज की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है, ताकि आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। शूज बनाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है? जैसे कि हम PVC सोल पे बना रहे हैं, ईवा में भी बनता है, PU में भी बनता है, फाइलॉन में बनता है, रबड़ में बनता है। सर, अगर बात करें मशीन्स की, तो कौन कौन सी मशीन्स का इस्तेमाल होता है शूज को बनाने के लिए? चाइना की मशीन्स आती हैं, इंडियन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री की, और जानते हैं कि शूज बनाने के लिए किन रॉ मटेरियल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या मशीन्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और इन रॉ मटेरियल और मशीन्स की मदद से आप किस तरह से शूज की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। शूज का पूरा प्रोसेस अब हम आपको बताते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम साहिल मखीजा है और मेरी कंपनी का नाम वेमको फुटवेयर है। हम काफ़ी तरीके के जूते बनाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स शूज़, कैजुअल्स, स्कूल शूज़ एंड लेडीज़ बेली। तो जूता बनता कैसे है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, उसका प्रोसेस बताता हूं। तो पहला प्रोसेस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अपर के लिए रॉ मटेरियल किस तरीके से आया जाता है, इसमें काफ़ी तरीके का रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि रेक्सिन, फैब्रिक, इनसोल, उनकी कटिंग करी जाती है, वो रोल फॉर्म में आता है, उसको इस टेबल पर बिछाया जाता है। और पर बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले रेक्सिन, फैब्रिक और जो भी तरीके के रॉ मटेरियल्स काफ़ी तरीके के इसमें यूज होते हैं, उनकी कटिंग करी जाती है एज पर डिज़ाइन, एज पर पैटर्न। उसकी कटिंग की डाइस बनती है, उन डाइस से इस मशीन से उसको कट किया जाता है। ये कटिंग हाइड्रोलिक मशीन है जिससे उसको कटिंग करते हैं, जैसे कि ये लेडीज बेली का अपर का बेस पैटर्न है, ऐसे ही ये इनसोल है जो उसके अंदर इसका पतावा भी कहते हैं जो जूते में डलता है, सारा कुछ इस मशीन पे कट होता है। ये इसका पहला प्रोसेस है। इसके बाद इस मशीन से कटे हुए कंपोनेंट्स को सेकंड प्रोसेस उसका होता है, उस पर प्रिंटिंग, वेल्डिंग, एम्बोजिंग करना। आइए वो प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो कंपोनेंट्स की कटिंग होने के बाद अगर हमें जूते में किसी भी तरीके की कुछ प्रिंटिंग का इफेक्ट या एम्बोजिंग इफेक्ट, रेक्सिन में जैसे कुछ एम्बोजिंग इफेक्ट देना है या प्रिंटिंग देनी है या ब्रांडिंग देनी है, उसके लिए यहाँ पे ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ये वेल्डिंग मशीन कहते हैं इसे। पहले स्क्रीन प्रिंटिंग पे जो भी है हम प्रिंट एज पर डिज़ाइन हम प्रिंटिंग दे सकते हैं, उसके बाद हमने जैसे नाम की ब्रांडिंग देनी है, ये प्रिंटिंग के बाद वेल्डिंग हो जाती है। इसमें पूरा उठाव आता है, वो इस मशीन के थ्रू ही हम दे सकते हैं, या हमें पतावे के ऊपर, इनसोल के ऊपर अपने नाम की ब्रांडिंग देनी है, वो इस स्क्रीन प्रिंटिंग और इस मशीन के थ्रू हम देख उस प्रोसेस को कर सकते हैं। प्रिंटिंग, एम्बोजिंग के इस प्रोसेस के बाद आगे ये सारे कंपोनेंट्स स्टिचिंग की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे अपर को प्रॉपर सीला जाता है, सारे कंपोनेंट्स अटैच कर दिए जाते हैं, तो वो अपर कंप्लीट वहाँ पे तैयार कर दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे कटे हुए कंपोनेंट्स, प्रिंटिंग हुए कंपोनेंट्स सिलाई मशीन से, इनकी मदद से इस तरीके से आपस में जोड़ दिए जाते हैं और फिनिश्ड अपर एक तैयार हो जाता है, जो कि जूते का ऊपरी हिस्सा होता है, इसे हम अपर कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अपर पूरा कंप्लीट तैयार होने के बाद उसको वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हम इसे कहते हैं, यहाँ पर लाया जाता है और इसके मोल्ड पर हम उसे लास्ट पर मोल्ड करते हैं, जिससे कि अपर बिल्कुल अपने जूते की शेप में आ जाए, वो शेप ले लेता है मोल्ड के हिसाब से। और एक PVC कंपाउंड हम यूज़ करते हैं जो कि मशीन में डलता है, और उसे हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं मोल्ड के अंदर, और वो कंपाउंड एक इस डिज़ाइन में अपना एक रूप ले लेता है, जो वो सोल में कन्वर्ट हो जाता है PVC कंपाउंड। इस तरीके से हम उस जूते को मोल्ड से निकालते हैं और जूता तैयार हो जाता है।
इसके बाद हम इसको फिनिशिंग में लेसेस डालें और पैकिंग में ले जाते हैं। तो फाइनली जूता मशीन से निकलने के बाद इसमें फाइनल फिनिशिंग देना, सफाई करना, कोई स्टिकर लगाना, टैग लगाना, इंसोल डालना, लेसेस डालना, यहाँ पर कंप्लीट तैयार करके उसको बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। अभी हमने शूज बनाने के पूरे प्रोसेस को समझा, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल और टेक्निकल्स के बारे में। तो सर, अगर बात करें इसमें एरिया की, तो अगर किसी को इस बिजनेस को शुरू करना है तो वो कितना एरिया के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? वो डिपेंड करता है कि वो कितने पेयर्स पर डे क्या एक कैपेसिटी से अपने प्लांट को स्टार्ट करना चाहता है। जैसे कि आज हम 4,000 to 5,000 पेयर्स पर डे की कैपेसिटी पे हैं। किसी को अगर 1,000 जोड़ी पर डे की कैपेसिटी से भी स्टार्ट करना है तो उसको एरिया आई थिंक मिनिमम 1500 गज की जगह की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। और सर, अगर बात करें मैन पावर की, तो कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी इस बिजनेस के लिए? 1000 पेयर्स पर डे की अगर हम बात करें, कम से कम 50 बंदे के आसपास लेबर की इसमें यूज़ रहेगा। और सर, इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होगी, कितना इलेक्ट्रिक लोड चाहिए होगा? 120 किलोवाट इसके लिए सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से। अगर सर बात करें इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, कोई भी अगर बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है, तो इस बिज़नेस में कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, अगर कोई इनिशियल लेवल पर इस बिज़नेस को शुरू करता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ वो शुरू कर सकता है? जैसे कि इन्वेस्टमेंट इसमें देखी जाए मशीनरी के अंदर भी, अगर हम 1000 पेयर्स की बात करें, 30 से 40 लाख रुपए आपको मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सारा कुछ मिला के। उसके बाद इतना इसका मार्केट भी थोड़ा क्रेडिट उस पर चलता है, तो वर्किंग कैपिटल भी इसमें रिक्वायरमेंट काफ़ी रहती है, तो इतना ही आप वर्किंग कैपिटल मान लीजिए, तो मैक्सिमम 1 crore के अराउंड आप 1000 पर डे की पेयर्स की प्रोडक्शन पे हम कर सकते हैं। और सर, प्रॉफिट कितना परसेंट मिल सकता है? प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को 8-10% से 15% के बीच में मिल सकता है। सर, अगर बात करें इसमें वेस्टेज की, तो वेस्टेज कितना परसेंट हो जाता है? वेस्टेज भी इसमें हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं वेस्टेज आती है, जैसे कि अपर के लिए जब हम कंपोनेंट्स की कटिंग करते हैं उसमें भी वेस्टेज आती है, उसमें हम 5% की वेस्टेज गिन सकते हैं। जब हम PVC कंपाउंड वगैरह या ईवा कंपाउंड और भी कुछ यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी हमारी 5-7% की वेस्टेज आ जाती है। आज IID ने आपको शूज मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी से रूबरू करवाया कि किस तरह से शूज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है और आपको इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपको किसी भी बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड कीजिए और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर, और साथ ही आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।